एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ की फेमस स्वीट डिश जो चावल के आटे से बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है। मैंने यहाँ पे एक कप चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर पे भी चावल का आटा बना सकती हैं। चावल को अच्छे से धुलकर उसे पंखे में सुखा दीजिए और फिर उसे ग्राइंडर में पीस दीजिए तो आपका चावल का आटा बनकर तैयार है। इसे हमें लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है। मैंने इसमें घी का यूज नहीं किया है, हम इसे बस ऐसे ही भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो गया है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और हमें चावल का कलर भी नहीं चेंज करना है। तो गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। मैंने वापस से गैस पर एक कढ़ाई रखा है और इसमें हम 2 कप दूध लेंगे। हमने जितना चावल लिया था उसका हमें डबल दूध लेना है। हमने यहाँ पे 1 कप यानी कि 250 ग्राम चावल लिया था तो मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है। अब इसे हम चलाते हुए एक बॉयल आने तक पकाएंगे। दूध गर्म हो गया है, बॉयल आने लगा है, तभी इस स्टेज पे हम 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम ही चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/3 कप डेसिकेटेड नारियल लिया है जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि दूध गाढ़ा हो जाए, इससे हमारे पेड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और यहीं पे हम थोड़ा सा फूड कलर डाल दे रहे हैं, लेमन येलो कलर लिया है। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं या इसे बिना कलर का भी बना सकते हैं। मैंने उस कलर में थोड़ा सा पानी मिलाकर बना लिया है। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है। साइड साइड में जो मलाई आ जा रही है उसे आप स्पैचुला की मदद से साफ कर ले, इस मलाई से दूध गाढ़े होते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब छोटी इलायची लिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसकी जगह फूड एसेंस को भी यूज कर सकते हैं या इसके बिना भी आप बना सकते हैं। दूध गाढ़ा हो गया है, ये देख रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालकर मिक्स करते जाएंगे। एक बार में न डालें, इसमें रेशियो का ही ध्यान रखना है। अगर आप दूध की मात्रा कम या ज्यादा कर देंगे पेड़ा अच्छे से सेट नहीं होगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये चावल का पेड़े, इसका टेक्सचर एकदम मावे की तरह लगने लगा। इसमें तो शाइनिंग नहीं है, तो इसमें हम शाइनिंग के लिए 1/2 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। इससे हमारे शाइनिंग अच्छी होगी पेड़े की। ये हमारा रेडी है। तो गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी जम जाएगा तो इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पेड़े पे लगाने के लिए थोड़े से काजू जिसे मैंने खोल लिया है और थोड़े से किशमिश लिए हैं। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। हमारा डोस ठंडा हो गया है, ये देखिए हम हाथ से छुपा रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट लिए हैं यानी नारियल के बुरादे जिसमें हम अपने पेड़े को कोट करेंगे। थोड़ा सा पार्ट लेंगे हम ऐसे हाथों में, दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से, ये देखिए ऐसे लंबा सा करेंगे और ये फिर ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए तो हमारे पेड़े बन गए। इसे हम नारियल के बुरादे में कोट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसमें हम काजू लगा देते हैं। इसी तरह बना लेते हैं हम अपने सारे पेड़े। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं आपको एक पेड़े तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ये खाने में बिल्कुल मावा की तरह लगता है। कोई बता नहीं पाएगा कि चावल का बना हुआ है। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। इसी तरह से मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूंगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।